केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर फाइव। आज के लेक्चर में हम ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑक्सी एसिड्स का टॉपिक कंप्लीट किया है। ऑक्सी एसिड्स हम लोगों ने देखे थे कि ऑक्सीजन बेस्ड एसिड्स होते थे जिसके अंदर आपके पास नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड्स क्लोरिक एसिड वगैरह शामिल थे, ठीक है। और फिर आपने इनका नॉमेनक्लेचर देखा था और इनके जनरल रिएक्शंस देखे थे मुख्तलिफ ऑक्सी एसिड्स के। आज के लेक्चर में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को डिस्कस करेंगे। अब ब्लीचिंग पाउडर पे जाने से पहले वैसे ये हमेशा से मेरे जहन में क्वेश्चन होता था कि ये ब्लीच होती क्या, ब्लीच, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि लेडीज भी ब्लीच यूज करती हैं और ब्लीच मतलब ब्लीच कर क्या रही होती है और ये कैसे कर रही होती है, हम साथ पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको ना कुछ मजे की तस्वीरें दिखाता हूँ, ये देखें। अच्छे हैं ना बाल, ऐसे बाल हो जाने का, यहाँ से हाफ ब्लैक हो गए, हाफ इसने वाइट करवाए हुए हैं, ठीक है, कितने मजे के बाल हैं। इसके बाद हम देखते हैं डायपर, एक बच्चे का डायपर है। देखो ये इसने ऑक्सीजन ब्लीच के बीच में डाला है तो इसका कलर ऐसा हो गया, और क्लोरीन ब्लीच के अंदर डाला है डायपर को तो उसका कलर ऐसा हो गया, ठीक है। ये डायपर मजीद गंदा हो गया, ये और ये डायपर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया क्लोरीन ब्लीच में डालने से। लेकिन आप देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये उदड़ा उदड़ा हुआ सा, ये थोड़ा खराब हो गया, हम इसको भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ब्लीच से अभी तक आपको ये तस्वीरें देखने के बाद क्या समझ आया, ब्लीच क्या होती है। ब्लीच बेसिकली कोई ऐसा आप कह लो कि केमिकल एंटिटी होती है या कोई ऐसा कंपाउंड होता है जो कलर जो है ना उसको खत्म कर देता है, कलर एब्जॉर्बर आप कह लो। और कलर एब्जॉर्बर का अब क्या मतलब हो गया, आपको इस बात का पता है कि कोई चीज हमें क्यों नजर आती है किसी कलर की। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक पर्पल कलर का क्यों नजर आ रहा है, ये आपको पर्पल कलर का क्यों नजर आ रहा है, ये आपको पर्पल कलर का इस वजह से नजर आ रहा है बिकॉज ना इसके ऊपर रेज ऑफ लाइट आके पड़ रही हैं, ठीक है, और आपकी आंखों की तरफ आ रही हैं। आपकी आंखें कहाँ हैं, आप थोड़ा, मुझे आपकी आंखें नहीं नजर आ रही, आपकी आंखें यहाँ पे हैं कहीं पे, ठीक है, आपकी आंखों पे आके पड़ रही हैं, ठीक है। अब होता यह है कि जब इसके ऊपर रेज ऑफ लाइट आके पड़ती है ना तो कुछ ना कुछ रेज जो है ना ये मटीरियल जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और जो बाकी है उन रेज को ये एमिट कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। और जो रिफ्लेक्ट बैक होती है ना आपकी रेज, फॉर एग्जांपल इसने क्या किया इस मटेरियल ने कि इसने आपका ब्लू कलर जो है लेट से एब्जॉर्ब कर लिया। अब ब्लू के अलावा जो आपके बेसिक कलर्स हैं उनके अंदर से अगर आप ब्लू निकाल दो, जो बाकी आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बच जाते हैं वो जो है वो आपकी आंखों पे आएंगे और वो आपकी आंखों में इमेज बनाएंगे। तो ब्लू के अलावा बाकी कलर्स का जो मिक्सचर है वो आपको नजर आएगा और लेट से वो पर्पल है, ठीक है। तो इस वजह से आपको कुछ चीज नजर आती है। और बेसिकली ये मटेरियल जो है ये हम जो बात कर रहे हैं कि ये एब्जॉर्ब करेगा, वो मटेरियल का हिस्सा जो कोई ना कोई कलर एब्जॉर्ब करता है हम उसको कहते हैं क्रोमोफोर, ठीक है, क्रोमोफोर, ठीक है। आपके मोस्टली जो क्रोमोफोर्स होते हैं, या मसलन आप कोई पेंट यूज कर रहे हो ना, आप किसी कलर का पेंट यूज कर रहे हो, ब्लू कलर का आप कोई पेंट यूज कर रहे हो, तो बेसिकली ये एक क्रोमोफोर है, ठीक है, जो इसके अंदर आपके पास क्रोमोफोर्स हैं जो इसको ये कलर दे रहे हैं। जो ब्लू कलर इसका बन रहा है ये क्रोमोफोर्स की वजह से बन रहा है। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, बेसिकली वो आपके पास कुछ पाए बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी कुछ ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, वो कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, हमें उसके हिसाब से उस चीज का कलर नजर आता है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो आपका कोई भी कलर एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह का कोई है जो आपका कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ठीक है, तो जब कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा कि सारे के सारे कलर्स आपको रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, ठीक है। इस पे रेज ऑफ लाइट पड़ी और जब आपकी आंखों की तरफ वापस आई ना, इस कलर इसने कोई एब्जॉर्ब ही नहीं किया, तो आपकी जब आंखों पे आके इमेज बनेगा ना तो वो सबके सब कलर्स आपकी आंखों को रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। और सबके सब कलर्स का मिक्सचर क्या होता है, व्हाइट, बिकॉज व्हाइट कलर जो है वो तमाम कलर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि जो व्हाइट लाइट है सूरज की वो बेसिकली आपके पास सात कलर्स हैं जिससे मिलके बनी है, जिसके आप वायलेट, इंडिगो वगैरह, ठीक है,
और रेड तक आप आ जाते हो, विबग्योर आपने याद भी किया हुआ होगा। तो ये आपके पास जो है ना ये व्हाइट कलर, ये बेसिकली जो सारी कहानी बताने का मकसद है कि आपके पास हर मटेरियल में कुछ क्रोमोफोर्स होते हैं। अब होता ये है कि आपके कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन उन कंपाउंड्स का हिस्सा है, जो इन क्रोमोफोर्स के साथ रिएक्ट करके इनको ब्रेक कर देता है, ब्रेक्स द क्रोमोफोर्स, जिसकी वजह से होता यह है कि जो मटेरियल है ना उसका कलर जो होता है वो फेड हो जाता है, कलर फेड्स, ठीक है, और वो व्हाइट कलर में चेंज होने लग जाता है। ठीक है, आपकी जो ब्लीच होती है, ब्लीचिंग एक्शन मैंने कहा था कलर एब्जॉर्ब करना या कलर फेड करने को ब्लीचिंग एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो ब्लीचिंग एक्शन है ना वो ब्लीचेस दो किस्म की आपके पास होती हैं। एक तो अभी जो आपको यहां से समझ आया, एक तो ये वाली ब्लीचेस है जो क्रोमोफोर्स को ब्रेक करने से बनती है, और दूसरी ब्लीचेस वो होती हैं जो आपके डबल बॉन्ड्स को तोड़ देती हैं। ठीक है, जो विच ब्रेक डबल बॉन्ड्स इनटू सिंगल बॉन्ड्स। अब आपके पास जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ना वो बेसिकली क्या होते हैं, वो आपके पास पाई बॉन्ड्स होते हैं, उनमें से अमूमन एक पाई बॉन्ड होता है। आप चैप्टर 7th में पढ़ोगे, जब भी आपके पास एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो आपके कुछ ना कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। अगर आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हो ना तो बेसिकली होगा ये कि पीछे सारे सिंगल बॉन्ड्स बच जाएंगे और फिर लाइट एब्सॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो उस केस में भी बेसिकली आपका ब्लीचिंग एक्शन हो जाएगा। तो आपकी ब्लीचेस बेसिकली दो किस्म की, ये जो पहला वाला है ना ये आपकी होती है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन करते हैं, और ये आपके पास रिड्यूसिंग ब्लीचेस होती है, जो रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से, रिड्यूसिंग एक्शन की वजह से ब्लीच करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आप अभी लेफ्ट साइड पे देख रहे थे कि बालों का कलर फेड हुआ हुआ था, फॉर एग्जांपल ये देखो ऊपर आपके पास बालों का कलर फेड हुआ हुआ है। अब देखो बालों के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको कलर दे रही होती है, उस कंपाउंड का नाम है लिग्निन। ठीक है, क्योंकि मैं खुद बायोलॉजिस्ट नहीं हूं तो ये मुझे भी कुछ विकिपीडिया वगैरह से ही इन्फॉर्मेशन मिली थी, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अब आपको पता है, आपने अक्सर सुना होगा एक छोटी सी बॉटल मिलती है, आजकल तो ये जो यंगस्टर्स हैं इनमें ये बहुत कॉमन है, H2O2 ऊपर लिखा हुआ होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो बहुत सस्ती मिल जाती है आपको, 15-20 रुपीस की ये बॉटल मिलती है, और आप करते क्या हो कि इस बॉटल का थोड़ा सा हिस्सा आप स्प्रे करते हो अपने सर के ऊपर। ठीक है, और स्प्रे करने के बाद आप धूप में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हो। एंड मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब मैं तकरीबन 10-11 साल का था ना तो उस वक्त मुझे भी बड़ा शौक हुआ था ब्लीच करने का बालों को, क्योंकि उस वक्त ना मैंने देखा था मेरे एक दोस्त था उसके गोल्डन बाल थे। ठीक है, मुझे बड़ा दिल करता था कि मेरे भी गोल्डन बाल हों, तो मैंने क्या किया कि ये बॉटल लाई। ठीक है, और इस बॉटल से खुद ब खुद मैंने घर के अंदर ना मुझे पता चला था कि इससे ना बाल जो है ना इसका कलर चेंज हो जाता है। मैंने अपने बालों पे ना फ्रंट पे ना, ये मेरे जिससे सारे बाल हैं, तो मैंने ये जो फ्रंट का हिस्सा था ना यहाँ पे मैंने वो ब्लीच लगा दी। ठीक है, अब वो बिल्कुल आपने आजकल देखा होगा वो कुछ बहुत ही वो होते हैं ना, वो क्या उनके लिए टर्म यूज करूं, जिप्सीज टाइप जो लुक दे रहे होते हैं, पंक्स टाइप जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, उस टाइप की मेरी लुक उस वक्त बन गई। वो बेसिकली हुआ क्या कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ना ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है कि जो आपके बालों के लिग्निन होता है ना ये लिग्निन को ब्रेक कर देता है जड़ों में जाके। तो बेसिकली होता ये कि थ्रू आउट आपके जो बाल का कलर है ना वो फेड होने लग जाता है। ठीक है, वो इतना फेड हो जाता है कि आपके बालों का कॉन्स्टिट्यूएंट कलर जो है वो गोल्डन में चेंज होने लग जाता है। और गोल्डन क्यों होता है, अब ये भी मैं वैसे नेट पे पढ़ रहा था कि आपके बालों के अंदर कोई एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका नेचुरल कलर ही गोल्डन है। ठीक है, और वो लिग्निन नहीं होता, तो बेसिकली लिग्निन तो का तो कलर वो खत्म कर देता है, तो वो जो गोल्डन कलर है वो पीछे बाकी आपके पास बच जाता है। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन परऑक्साइड, अगेन ये भी आपके पास ब्लीचिंग एक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ब्लीच जो होती है, अब आपको आइडिया होता जा रहा होगा वो होती क्या है। अब देखो ये आपके पास जो नीचे मैंने डायपर था, एक बच्चे का डायपर है ये, अब देखो डायपर में आपने एक ऐसी ब्लीच की जिसमें ऑक्सीजन था। अब ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्लोरीन भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए आपने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक किसी कंपाउंड को यूज किया। अब वो जो ये कह रहे हैं ना सोक्ड इन, सोक का मतलब इसको डुबोया गया। अब वो जिस चीज में डुबोया गया उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे कंपाउंड होंगे जिन्होंने इसके क्रोमोफोर्स को एब्जॉर्ब कर, क्रोमोफोर्स के बॉन्ड्स को तोड़ दिया। ठीक है, तो इस वजह से इसका कलर फेड हो गया। अब हम नीचे ये एक देख लेते हैं, डिस्कशन इस पे थोड़ी सी कर लेते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ब्लीचेस होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास एक तो क्लोरीन इटसेल्फ जो है ये भी एक ब्लीच है।
ठीक है, ये किस चीज में ब्लीच यूज होती है, ये पेपर पल्प वगैरह में। अब पेपर पल्प किसे कहते हैं, पल्प आपने सुना होगा, पल्पी ऑरेंज, आजकल एक जूस चला हुआ है पल्पी ऑरेंज, ये कुछ वैसी ही चीज है। पल्प आपका होता है, आप जूस समझ लो, ठीक है, या एक जैसे आप अगर ऐसा करो ना, पेस्ट कह लो, पेस्ट, लिक्विड पेस्ट आपकी पल्प होता है। तो पेपर का पल्प ये होता है कि आप ना पहले वुड को लेते हो, और आप चैप्टर 14 आई थिंक इस बुक का है आपकी सेकंड ईयर का, उसमें आप पढ़ोगे कि आप वुड का पल्प कैसे बनाते हो। तो वो जो वुड का पल्प होता है ना, उसका कलर आप खत्म करने के लिए आप बीच में क्लोरीन डालते हो। जब कलर खत्म आ जाता है, फिर आप वुड के पल्प को ना, जिस तरह आप वो होता है ना घर में रोटी पकाने के लिए चकना बेलना होता है, आप उस तरह ये करते हो कि पल्प को ना बिल्कुल सीधा फ्लैटन कर देते हो, और वो इतना ज्यादा फ्लैटन कर देते हो, रोलर्स यूज करते हो उसके लिए, रोलर्स उसके ऊपर डालते हो ना, तो बिल्कुल सीधा हो जाता है नीचे से। पल्प जो होता है ना, वो जो पेस्ट होती है वो सारी सीधी हो जाती है। फिर वो जो पेस्ट जब सूखती है ना, तो वो आपका कागज बन जाता है, पेपर। तो पेपर आपका असल में वुड पल्प से बनता है। तो वुड पल्प का कलर अब्सॉर्ब करने के लिए, लकड़ी का जो कलर होता है, पेपर का कलर तो व्हाइट होता है ना, तो उसको ब्लीच करने के लिए आप क्लोरीन यूज करते हो। फिर आपके पास है क्लोरीन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये आपका ब्लीचिंग क्राफ्ट पेपर या क्राफ्टिंग के लिए जो पेपर यूज होता है, और उसके आप जो आटा होता है उसका कलर अब्सॉर्ब करने के लिए। सोडियम हाइपोक्लोराइट आपका लॉन्ड्री वगैरह के अंदर यूज होता है, ठीक है। अब ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास ब्लीचेस हैं, ठीक है। आप देखो, लाइट इटसेल्फ भी एक ब्लीच के तौर पर काम करती है, ठीक है, सनलाइट जो है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये मुख्तलिफ ब्लीचेस हैं। अब इनमें आपके पास कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और कुछ आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो दोनों किस्म के एक्शन के साथ आप क्रोमोफोर्स के बॉन्ड्स जो हैं उनको आप तोड़ सकते हो, ठीक है। और जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो फिर कलर खत्म हो जाता है। तो ये तो एक जनरल कंसेप्ट था कि ब्लीचेस होती क्या है और ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है। अब हमारे जो एक्चुअल टॉपिक है, टॉपिक का पार्ट टू आप कह लो, वो है आपके पास कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑक्सी एसिड्स पढ़े थे, और ऑक्सी एसिड्स में आपने पढ़ा था कि आपका क्लोरिक एसिड जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है क्लोरिक एसिड का, HClO3, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहां पे 5। अगर यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप रिड्यूस कर दो, यानी दो स्टेप्स नीचे आ जाओ, तो आपके पास बन जाता है क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। और क्लोरस एसिड में जो आपके पास HClO2 बन जाता है, ठीक है, और फिर आपके पास बनता है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। अगर आप एक स्टेप मजीद नीचे आ जाओ, यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी थी। अब हाइपोक्लोरस एसिड HClO होता है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 बच जाती है, ठीक है। तो ये जो हाइपोक्लोरस एसिड का ये जो सॉल्ट बनाता है ना, जो इसका एनाइन है ये वाला, ये बेसिकली हाइपोक्लोराइट होता है, जिसका फॉर्मूला है CLO या OCl कह लो, और इसके ऊपर चार्ज होता है -1। तो कैल्शियम का जो हाइपोक्लोराइट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaOCl होल ट्वाइस। ये जो है ना, ये आपका एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग, ये आपका बहुत ही अच्छा, एक तो पहले बात की, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप जब ऑक्सी एसिड्स पढ़ रहे थे, ऑक्सी एसिड का जो फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना, अगर आप OCl की बात करो, फिर O2Cl की बात करो, फिर आप O3Cl की बात करो, और O4Cl की बात करो, ठीक है, आप इन आइंस की बात अगर से कर रहे हो, तो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि जो सिंपल आपके पास है ना हाइपोक्लोराइट, ये आपके पास सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और जितना आप नीचे आते जाते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की बढ़ती जाती है, आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाती है। तो ये जब आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, बिकॉज इसमें ऑक्सीक्लोराइड आयन है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो गया, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये भी ब्लीचिंग एक्शन करता है, ठीक है, ब्लीचिंग एक्शन। और ये जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, इसकी वजह से हम इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसके लिए एक दूसरा टर्म भी हम यूज करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी इसको बोलते हैं, और हम इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बिकॉज ऑक्सीक्लोराइड का मतलब ऑक्सीजन और क्लोरीन इसके अंदर है, बॉन्डेड है कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल दो, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल दो, या ब्लीचिंग पाउडर बोल दो, ये ऑलमोस्ट जो है ये सिमिलर चीजें हैं। अब हम जल्दी जल्दी से ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हम इसको देख लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये देखने में कैसा होता है। जो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, ये देखने में आपका ऐसा होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये देखने में आपका एक पाउडर होता है,
ऑलमोस्ट येलो वाइट कलर इसका होता है, येलोइश वाइट, मतलब आप कह लो कि मैला सा जो सफेद कलर होता है ना, इस कलर का होता है। और इसकी जो स्मेल होती है ना, वो आपकी थोड़ी तंग करने वाली, चुभने वाली स्मेल होती है, जैसे आपकी क्लोरीन की स्मेल होती है, बिकॉज ये इसके अंदर क्लोरीन बेस्ड होता है ये, ठीक है, ये क्लोरीन से बनाया जाता है। इसकी जो प्रिपरेशन है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, इस वजह से हम प्रिपरेशन को आज नहीं पढ़ रहे, आज हम इसके जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ना, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर, अब ये बड़ा एक मजे की बात है, आज तक मैं इसको ब्लीचिंग पाउडर समझता था, और था मसला ये था कि आपके जो मेट्रिकुलेट वगैरह के अंदर भी आपने देखा था कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता था, आप इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते थे, सी ए ओ सी एल होल ट्वाइस, या आप यूं कह लो सी ए के ओ सी एल एक तरफ और दूसरी तरफ भी ओ सी एल लगा हुआ। अब मसला ये है कि आपकी जो बुक के ऊपर मैंशन है ब्लीचिंग पाउडर, वो ये वाला है सी ए, एक तरफ को सी एल और दूसरी तरफ को ओ सी एल। अब यहां पर तो एक गड़बड़ हो गई है, ठीक है, आपको आप किसको बोलोगे कि वो ब्लीचिंग पाउडर है, सी ए ओ सी एल टू को या सी ए ओ सी एल होल ट्वाइस को। इसमें बेसिकली दो ऑक्सीजन हैं और इसमें आपके पास एक ऑक्सीजन है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में देख रहा था इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि अभी तक इससे काफी कंफ्यूजन है, जो बुक्स के ऊपर भी मेंशन है ना, हर बुक पे कोई और बात लिखी हुई होती है। तो जो इसका निचोड़ मुझे समझ आया वो ये है कि बेसिकली आपका जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट कि आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड, और ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन, ये एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों के मिक्सचर को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। सिर्फ CaOCl होल ट्वाइस को नहीं आप कह सकते, बिकॉज CaOCl2 जो आपकी बुक में मेंशनड है ना, वो बेसिकली पता है क्या है, कैल्शियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीक्लोराइड, ये दोनों चीजें कैल्शियम के साथ बॉन्ड हुई हुई है। तो आप ये कहोगे कि कैल्शियम का क्लोराइड अलग हो जाएगा, कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड अलग हो जाएगा, और साथ में आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, बिकॉज साथ में आप देखो कि पानी भी है, वाटर भी होता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में। तो अब ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना आपके पास, ये आपके पास ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है ना CaO, अब मैं ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम क्लोराइड इनटू ऑक्सीक्लोराइड, अब मैं यूं लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ भी आ जाए ठीक से। अब जब आप इसको वाटर के अंदर डालते हो ना, ये मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं जैसे आपके बुक के ऊपर मेंशन है, ठीक है। अगर आप वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, तो बेसिकली आपके पास क्या बनाता है, ये आपके पास कैल्शियम सेपरेट हो जाता है, ठीक है, क्लोराइड आइंस सेपरेट हो जाते हैं और ऑक्सीक्लोराइड आइंस आपके पास सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके वाटर के अंदर, और ये जो क्लोराइड आइंस और ऑक्सीक्लोराइड आइंस, ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और ये फिर आगे क्या करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एक्शन करके ब्लीच करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है कि अगर आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, कैल्शियम क्लोराइड OCl को अगर आप रिएक्ट कर रहा हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आप बहुत कम अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर बीच में बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आपके पास ये होता है कि आपके पास कैल्शियम यहां से ब्रेक होगा, ठीक है, कैल्शियम ब्रेक होगा, वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस टू और माइनस टू कैल्शियम सल्फेट बन गया, ठीक है। अब आपके पास ये वाला हिस्सा भी रहता है जिसने रिएक्शन करना है आपस में, ठीक है। तो एक तो आपके पास यहां से एच टूटेगा और वो OCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, HOCl जो है, या आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड है, ठीक है, और साथ में आपके पास क्या बनेगा कि HOCl तो रिएक्ट कर गया, आपके पास कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन आपके पास कैल्शियम और क्लोराइड आइंस दोनों प्रोड्यूस होते हैं, और आपके पास कैल्शियम क्लोराइड भी बन जाएगा, ठीक है। अब यही वाला रिएक्शन अगर आप एक्सेस अमाउंट में, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करो या आप कंसेंट्रेटेड फॉर्म में आप यूज करो सल्फ्यूरिक एसिड, तो फिर आपके पास यही रिएक्शन जो है हल्का सा चेंज हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट तो बनता है लेकिन ये जो हाइपोक्लोरस एसिड का जो और कैल्शियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन है ना, इसमें आपके पास ये होता है कि जो कैल्शियम आयंस है ये काफी कम अमाउंट में होते हैं निस्बतन सल्फ्यूरिक एसिड के, तो होता यह है कि आपके पास वाटर और साथ में क्लोरीन गैस जो है ये लिबरेट होती है, और ये जो क्लोरीन गैस बनती है ये बेसिकली अगेन आपके पास क्या करती है, ये आपकी ब्लीचिंग एक्शन में यूज होती है, ठीक है। तो अब होता ये है कि ये जो नीचे मैंने रिएक्शन लिखा है ना,
आपको समझ आ गई होगी अभी तक कि आपकी जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग एक्शन इसका किस वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। यानी क्लोरीन जितनी ज्यादा होगी उतना आपका ब्लीचिंग एक्शन ज्यादा होगा। तो आप देखो इस रिएक्शन के अंदर आपकी क्लोरीन जो है वो सेपरेट हो रही है ब्लीचिंग पाउडर से, ठीक है। तो हम इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं कि ये जो आपकी क्लोरीन बनती है ना, इसको हम कहते हैं कि आपकी अवेलेबल क्लोरीन होती है, अवेलेबल क्लोरीन। तो अगर आपने चेक करना हो कि आपका ब्लीचिंग पाउडर कितना स्ट्रांग है, ठीक है, या कितना अच्छा वो ब्लीचिंग एक्शन करेगा, तो आप सिंपली ये चेक कर लेते हो कि उसके अंदर अवेलेबल क्लोरीन कितनी है, ठीक है। तो अवेलेबल क्लोरीन जो है ये अमूमन आपकी जो होती है ब्लीचिंग पाउडर में वो 35-40% होती है, ठीक है। तो यूं आप चेक करते हो कि आपका ब्लीचिंग पाउडर अच्छा है या बुरा है। तो ऑक्सीडेशन करेक्टर आपका क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन आपके पास एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। क्लोरीन आपके पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपने पढ़ा था कि आपके पास फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर क्लोरीन है, फिर आपके पास ब्रोमीन है, और फिर आपके पास आयोडीन है, ठीक है। ये आपने दो तीन लेक्चर आप पीछे चले जाओ तो आपने ये डिस्कस किया था। और क्लोरीन जो है ये बेसिकली हम इसको क्यों यूज करते हैं एज अ ब्लीचिंग पाउडर में, फ्लोरीन को क्यों नहीं करते? बिकॉज क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो निस्बतन फ्लोरीन के मजीद ज्यादा है, ठीक है। तो काफी रीजन है जिसकी वजह से आपके क्लोरीन बेस्ड ब्लीचेज यूज होती है। फ्लोरीन अब बहुत ही विगरस रिएक्शन करता है तो हम अवॉइड करते हैं फ्लोरीन को। इसके बाद आपके फाइनल रिएक्शंस हैं जिसके अंदर आपका एक तो ये है कि अगर आप कैल्शियम क्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड को सिंपल HCl के अंदर डाल दो, आप जब भी एसिड्स के अंदर डालते हो ना तो आपका यही होता है कि अब ये होगा कि कैल्शियम आपका क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। और साथ में आपका क्या होगा कि आपका जिस तरह ऊपर हुआ था वाटर और क्लोरीन लिबरेट हो जाएगी, क्लोरीन और वाटर लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहां से भी अवेलेबल क्लोरीन डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कैल्शियम क्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड को रिएक्शन कराओ अमोनिया के साथ, तो ये आपके पास क्या बना देगा, कैल्शियम आपका यहाँ पे आपके क्लोराइड आयंस जनरेट होंगे ना, तो ये कैल्शियम क्लोराइड जनरेट कर देगा, ठीक है, वाटर तो बनेगा, साथ में आपकी नाइट्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। या आप यूं कह लो कि अमोनिया को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि अमोनिया के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ने अमोनिया के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव करके नाइट्रोजन बना दिया, सिंपल, ठीक है। या आप यूं कह लो कि नाइट्रोजन का चार्ज यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के केस में -3 है, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का चार्ज 0 है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का चार्ज बढ़ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अमोनिया ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट टाइम हम लोग ब्लीचिंग पाउडर ही को डिस्कस करेंगे, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और हम देखेंगे कि ये इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है इंडस्ट्रियल स्केल पे, ठीक है, जिसके लिए आपके दो प्रोसेसेस यूज होते हैं, हम एक तो उनको देखेंगे और साथ में हम लोग इसके यूजेस देखेंगे, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की, जिनमें से कुछ तो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।